दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। मैं दो खास उपाय आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी कोई आपकी मनोकामना है या फिर कोई आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है तो ये आपकी दूर हो जाएगी। एक प्रयोग में बता रहा हूँ जो आपको मंगलवार को छोटा सा प्रयोग करना है, जो हनुमान जी के सामने करना है। अगर ये प्रयोग आप कंटिन्यूसली अगर मंगलवार को करते हैं तो देखिए, हनुमान जी जो है चिरंजीव है, कलयुग में सबसे जल्दी जो फल देने वाले कहे गए हैं वो है हनुमान जी। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मंगल से संबंधित कोई भी दोष यदि आपको चल रहा है, मंगल का दोष अगर चल रहा होता है तो सबसे पहले आप शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल का कनेक्शन होता है आपके ब्लड से, आपके खून से। मंगल को दोस्तों यदि बैलेंस करना है तो साल में कम से कम दो बार यदि ब्लड डोनेट किया जाए तो मंगल काफी अच्छा फल देने लगते हैं। लेकिन जो लोग ये सब नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए मैं खास दो उपाय आज आपको बता रहा हूं। पहला तो आप मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मंगलवार के दिन जब प्रयोग करेंगे तो कोई स्टोन ना पहना हो, नॉनवेज नहीं लेंगे, ड्रिंक अल्कोहल ये चीजें नहीं लेंगे। सात्विक प्रयोग है, सात्विक तरीके से करना है। महिलाएं भी कर सकती हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे इस प्रयोग को। किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करें, वैसे शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार हो उससे स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। शुक्ल पक्ष दोस्तों अमावस्या के बाद जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष में कोई भी कार्य, शुभ कार्य की शुरुआत करो तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता लेना है। मंगलवार के दिन सबसे पहले तुलसी माता से आज्ञा लें, एक पत्ता तोड़ लें। हनुमान जी को जो चढ़ता है अबीर सिंदूर, इसको चमेली के तेल में थोड़ा सा पेस्ट बना लें और इसको तुलसी के पत्ते को आपको पूरे इसमें डिप कर देना है। जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो अपने मन में ये कामना रखें, ये विचार रखें कि मैं किस लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक संकट से दूर रहने के लिए, या कोई जो मनोकामना है उस मनोकामना को मन में रखें, या कोई परेशानी है उस परेशानी को मन में रखते इस प्रयोग को करना है। तुलसी के पत्ते को आपने पूरा डुबो दिया, अब एक चमेली के तेल का दिया और साथ में एक पान का बीड़ा और गुड़ और चने का थोड़ा सा प्रसाद, ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में, सॉरी तुलसी का पत्ता चरणों में नहीं चढ़ाना है, तुलसी का पत्ता हनुमान जी के आप चाहे तो सीने में रख सकते हैं। यदि कोई पंडित पुजारी तो उससे बोल करके बोल दें कि हनुमान जी के सीने पे पत्ता रख दे, ठीक है। चमेली के तेल का आपको दिया जलाना है, गुड़ चने का भोग लगाना है, उसके बाद में श्री राम की 108 माला करें और फिर बाद में हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम रुद्रात्मकाय नमः, ओम रुद्रात्मकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और 108 बार फिर से श्री राम नाम का जाप करें। और जो भी आपकी मनोकामना है हनुमान जी से बोले, कर्ज से मुक्ति मिले, आर्थिक संकट से मुक्ति मिले, रोजगार की प्राप्ति हो, व्यापार में वृद्धि हो, जो भी मनोकामना है मनोकामना बोल दें। उसके बाद में 3 बार एक चौपाई बोलनी है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही। ये प्रयोग और गुड़ चने का जो प्रसाद चढ़ाया है थोड़ा सा हनुमान जी को चढ़ा करके वो प्रसाद घर ले आए, खुद भी खाएं, घर के सभी मेंबर्स को खिलाएं। कम से कम दोस्तों 9 मंगलवार इस प्रयोग को कर लीजिए। वैसे तो इसका 3 मंगलवार में चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलता है, लेकिन इस प्रयोग को 9 मंगलवार या 21 मंगलवार करने के लिए कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय है, आप 21 मंगलवार कर लेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना, बहुत बड़ी कोई, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई परेशानी है, अब ये परेशानी नहीं जाने वाली है, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आजमा करके देखिए, लेकिन विश्वास के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, ये तो दोस्तों आप मान के चलिए कि दूसरे तीसरे मंगलवार में चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम देगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँ आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सीधा सा मतलब आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है,
तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं, और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी उपाय किए जाते हैं तो 100% वर्क करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं या कन्फर्म नहीं है तो फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आप 7 से 11-21 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। और एक विशेष बात दोस्तों, हर वीडियो में बताता हूँ कि राहु को अपने बर्थ चार्ट में बैलेंस कर देना, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलता सब कुछ मिलना। 95% प्रॉब्लम्स आपकी राहु के वजह से आती हैं, और इनको बैलेंस कर लेना, 95% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाना। हमारे द्वारा 18 दिन की राहु ग्रह को आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए आपके फोटो, माता पिता का नाम, दादा का नाम और संकल्प द्वारा आपके बर्थ चार्ट में राहु को बैलेंस कर दिया जाता है। शावर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नाथपंथी से प्राप्त होते हैं। ये 18 दिन की विशेष पूजा होती है, इसे एक बार आजमा करके देखिएगा। अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे 18 दिन में आपको। ये विशेष पूजा बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, और मेरे से किसी प्राइवेट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। उसके अलावा चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रयोग दोस्तों, कहा गया है कि जन्मभूमि की मिट्टी, जहां आपका जन्म हुआ है, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे कि हम तो हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, फ्लैट में पैदा हुए हैं, तो मूल स्थान मतलब कि जहां आपका जन्म हुआ वहां से लेकर नामकरण तक का, जहां आपका नामकरण हुआ है वहां तक भी आपका जन्म स्थान माना जाता है। तो जहां आपका जन्म हुआ है वो तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। अब यदि वहां की मिट्टी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जहां आपका जन्म से लेकर के नामकरण जहां तक हुआ है वहां तक की भी आप मिट्टी ला सकते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी आपको लाना है, जहां आपका मूल स्थान है जन्म स्थान का, एक मुट्ठी आप मिट्टी लेकर के आएंगे घर ले आना है इसको, और किसी गमले वगैरह में इसमें एक मुट्ठी आपने ये वाली अपने जन्म स्थान की मिट्टी डाल दी। अब दूसरा और मिट्टी इसमें ऐड करके, और गुलहड़ का जो पुष्प होता है यानी कि जासौन या लाल कनेर या कोई भी लाल पुष्प इस मिट्टी में आपको खिलाना है। जब इसमें फूल खिल जाता है तो इस फूल को आप हनुमान जी के मंदिर में या कोई मंगल देव का मंदिर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे नवग्रह मंदिर बहुत ही कम होते हैं, तो यदि इस अभाव में यदि मंगल का मंदिर नहीं मिल रहा है तो हनुमान जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में और या फिर शिव जी के मंदिर में ये लाल पुष्प आप हर मंगलवार के दिन में 9 मंगलवार तक चढ़ा के आइए। दोस्तों कितना भी बड़ा मंगल दोष होगा आपका, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र कहे गए हैं, और अपने जन्म स्थान की मिट्टी पे यदि आप लाल फूल खिला करके, क्योंकि मंगल का रंग जो होता है लाल होता है, इनका कनेक्शन आपके ब्लड से होता है, और लाल फूल यदि अपने जो मंदिर बताए राम जी के, कृष्ण भगवान के, हनुमान जी के, शिव जी के, इन मंदिरों में यदि लाल पुष्प आप 9 मंगलवार तक चढ़ा के आते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो पूजा पाठ कर लें और मंगल देव का मंत्र ओम अब अंगारकाय नमः 9 बार इस मंत्र का जाप कर लें। दोस्तों पहाड़ जैसी परेशानी होगी आपकी तो वो आपकी दूर हो जाएगी। यदि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आपका और आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं, शत्रु आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहा है, भूमि भवन संबंधित मामला चल रहा है, और यदि आप चाहते हैं कि खुद के घर के योग बने तो कंटिन्यूअसली अगर इसको आप करते रहते हैं, अपने जन्म स्थान की मूल मिट्टी में लाल फूल उगा करके हनुमान जी को या शंकर जी को, राम जी को मंदिर में पुष्प चढ़ाते रहते हैं और मंगल की आराधना करते रहते हैं तो आपके खुद के घर के योग बनना शुरू हो जाते हैं। मंगल जिस पर प्रसन्न होते हैं सबसे पहले भूमि प्रदान करते हैं, क्योंकि वो भूमि पुत्र हैं। भूमि से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि से एक बार मंगल को बैलेंस कर लीजिए। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम प्राप्त होंगे। पूरे विश्वास के साथ में अगर इस प्रयोग को आप करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही सफल और सिद्ध उपाय है। मैंने 2 उपाय आपको बताए हैं, दोनों भी आप कर सकते हैं। और मंगल को यदि टोटल बैलेंस करना है और मंगल से संबंधित सभी सुख सुविधाएं यदि अपनी जिंदगी में चाहते हैं, बर्थ चार्ट में बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग एक बार आजमा करके देखिए। ठीक है, आपको जन्म स्थान पता नहीं है, हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, तो आपका नामकरण जहां हुआ हो उस स्थान की एक मुट्ठी मिट्टी ले आइए आप बस, और बस इसको उसी मिट्टी में हमेशा फूल उगाते रहिए। वैसे गुलहड़ का पुष्प यदि उगाते हैं तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा करेर का उगा सकते हैं या फिर जो भी लाल पुष्प है वो भी कर सकते हैं। गुलहड़ जासौन जो है सबसे बेस्ट माना गया है। करके देखिए दोस्तों, जब तक आजमाएंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिना खर्चे का उपाय है ना, कोई खर्चा इसमें आपका लगना नहीं है। भगवान की आराधना भी हो जाएगी, साथ में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पूरे विश्वास से करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ लेंगे। घर बैठे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे, दुआएं देंगे, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें।
और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। और राहु की विशेष पूजा जो 18 दिन की होती है शाबर मंत्रों के द्वारा, ये अगर बुकिंग कराना है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे, एक बार ट्राई करके देखिए। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में।